डीडी किसान बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीट से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप देखना शुरू कर चुके हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां कैसी रहेगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम और एआई एंकर भूमि और एआई एंकर कृषि क्या कुछ जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन मौसम खबर की शुरुआत करेंगे हम आज की पाँच बड़ी खबरों के साथ। पाँच बड़ी खबरों में सबसे पहले आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में, जहाँ पर अगले तीन दिन भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो बिहार के मौसम के मद्देनजर ये बड़ी खबर है। बात करें असम के, अगले चार दिन तेज बारिश के आसार असम को लेकर जताए गए हैं। यह असम के मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। बात करें अगर ओडिशा की, तो 13 जुलाई को भारी बरसात की संभावना बताई गई है, तो ओडिशा को लेकर भी यह बड़ी खबर है मौसम के लिहाज से। वहीं बात करें उत्तराखंड की, अगले चार दिन तेज बरसात के आसार बताए गए हैं, तो उत्तराखंड को लेकर भी सावधान रहने की जरूरत है और यह बड़ी खबर उत्तराखंड को लेकर। बात करें हरियाणा की, तो अगले चार दिन तेज बरसात की आशंका हरियाणा में भी जताई गई है। यह पांच बड़ी खबरें हैं आज के मौसम को लेकर बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम एआई एंकर भूमि से जानते हैं कि देश भर के तमाम हिस्सों के अंदर मौसम को लेकर क्या अलर्ट रहने वाला है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है, इन सभी चीजों की जानकारी देती है एआई एंकर भूमि। भूमि, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां चेतावनी जारी की गई है। असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी से भारी बरसात की संभावना है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां सतर्क रहें। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं बेहद तेज बारिश हो सकती है। बिहार में कहीं कहीं बेहद तेज बारिश के साथ बिजली की चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ बिजली की चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में भी कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि, मौसम से जुड़ी हुई तमाम अलर्ट जारी करने के लिए। तो जिस हिसाब से आपको भूमि ने बताया कि जहां आपको सावधान रहना है, चेतावनी जारी की गई है, उन राज्यों को लेकर आप अलर्ट रहें और मौसम के जरिए अपना ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज़्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल। तो बात करते हैं भारत के नक्शे के अलग अलग राज्यों के जरिए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं भारत का नक्शा, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। पहले बात करेंगे पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की। यहां पर अधिकतर जगह बरसात होने की उम्मीद जताई गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं लद्दाख ले जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर अनेक जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मौसम का मिजाज बारिश को लेकर इन राज्यों में कुछ उस प्रकार से देखने को आपको मिल सकता है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और साथ ही बिहार की बात करें, अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। वहीं झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड की बात करें, अनेक जगह पर बारिश है। और ओडिशा की बात करें तो कई जगह बरसात आप देखने को मिल सकती है 48 घंटों के भीतर। बात करें तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु की, तो कई जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तेलंगाना की बात करें, अनेक स्थानों पर बारिश है, लेकिन भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतर जगह बरसात है। अंडमान निकोबार की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, तो यहां पर कोई बरसात का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अब बात करें कोंकण गोवा की,
और तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतर जगह बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अनेक जगह बरसात है। मराठवाड़ा में कहीं कहीं बरसात है और पूरे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर मौसम इस प्रकार से रहेगा। बात करेंगे मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में कहाँ कहाँ बारिश दर्ज की गई है। तो आप देख पा रहे हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब में भी कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के भी लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, लगभग सभी हिस्सों के अंदर बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे में। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में लगभग कई हिस्सों के अंदर बारिश देखने को मिली है। दक्षिण भारत की बात करें तो आप देख पा रहे हैं तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु में बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो यहां पर भी बारिश देखने को मिली है। तटीय कर्नाटक, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो दक्षिण भारत के लगभग इन हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर बारिश का माहौल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में इन क्षेत्रों में कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा में बारिश दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो बारिश दर्ज की गई है। कोंकण, गोवा, दमन और दीव, सौराष्ट्र और कच्छ, गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग सभी हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर बरसात का मौसम देखने को मिला है। तो मौसम पिछले 24 घंटे में इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। इसके साथ भी कई और अहम जानकारियां हैं, जैसे कि हम आपको बताएंगे तापमान का हाल, और AI एंकर और एंकर कृषि और भूमि क्या कुछ जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे, ये बताएंगे आपको ब्रेक के उस पार। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, कहां पर अधिकतम तापमान का क्या हाल दर्ज किया गया और कहां पर न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही। तो मौसम खबर में इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि तापमान का हाल देश भर के तमाम हिस्सों में कैसा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की, जहां पर आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश का कुछ इस प्रकार से रहा जो आप देख पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं अगले राज्यों की तरफ, जहां पर आप बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों की बात करें तो अधिकतम तापमान की स्थिति यहां पर भी 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान की स्थिति इन राज्यों के अंदर आप देख पा रहे हैं इस प्रकार रही। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम की बात करें तो अधिकतम तापमान यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान पूर्वोत्तर राज्यों में इन राज्यों का कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। दक्षिण भारत की बात करें, जहां पर केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर बात करते हैं तो यहां पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात करें पश्चिमी राजस्थान की तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो पश्चिमी राजस्थान का अधिकतम तापमान कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। इसके साथ ही बात करें सबसे अधिक तापमान की तो पश्चिमी राजस्थान के ही बीकानेर में दर्ज किया गया, जो कि 42.7 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान पूरे देश में यहीं पर दर्ज किया गया है। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में, जिसमें सबसे पहले नजर डालेंगे उड़ीसा पर। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल उड़ीसा के अंदर कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे थे। इसके साथ ही बात करें भीतरी उत्तर कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी की तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम न्यूनतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है।
इसके साथ ही बाकी राज्यों में तापमान कैसा रहा है, वहीं बात करें कोंकण और गोवा की, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान का हाल कोंकण और गोवा में इस प्रकार से रहा। इसके साथ ही बात करें पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से इन राज्यों में रहा है। सबसे कम तापमान की बात करें तो गुजरात के वलसाड में दर्ज किया गया 19.8 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम तापमान पूरे देश में यहीं पर दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान की स्थिति आपने जानी। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में कैसा अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का हाल रहा है, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जाना आपने देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि देश के तमाम हिस्सों में वायु गुणवत्ता कैसी रही और खेती किसानी को लेकर क्या कुछ खास है। लेकिन रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। क्यों वरदान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल, ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन, मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे देश के तमाम हिस्सों के अंदर वायु गुणवत्ता की क्या स्थिति रही, किस श्रेणी में वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो ये जानकारी जानने के लिए आप रुख करेंगे अपनी AI एंकर भूमि का। भूमि, कैसी रही वायु गुणवत्ता की स्थिति पूरे देश भर में? अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 112 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 70 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 41 दर्ज किया गया। वहीं हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी श्रेणी में रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 34 रहा। मुंबई की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 38 दर्ज हुआ। वहीं अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 65 दर्ज किया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। को लेकर यह स्पष्ट जानकारी साझा करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे देश भर के तमाम हिस्सों में जैसे कि पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा और आप पर्यटन की स्थिति से कहीं घूमने के लिए निकल रहे हैं तो अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं, तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, कहां मौसम कैसा परिवर्तन लेगा, इसके बारे में आपको पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए हम आपको ये जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। आप देख पा रहे हैं शुक्रवार, शनिवार, रविवार गरज चमक के साथ तेज बारिश का अनुमान है। सोमवार को मौसम के अंदर परिवर्तन देखा जा रहा है और बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आपको आने वाले 4 दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ भारी बारिश है।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा की बात करते हैं, शुक्रवार को बारिश है लेकिन शनिवार रविवार सोमवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश आपको अल्मोड़ा के अंदर देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति अल्मोड़ा के अंदर बनी रहेगी, लेकिन चारों ही दिन अल्मोड़ा के अंदर बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं जहां पंजाब के आनंदपुर साहिब की बात करते हैं, शुक्रवार को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। शनिवार रविवार सोमवार बाकी के तीन दिन मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आनंदपुर साहिब में। वहीं न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले चार दिनों में बना रहेगा आनंदपुर साहिब में, लेकिन शुक्रवार को आनंदपुर साहिब में आप बारिश को लेकर सावधान रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा की बात करें, शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। शनिवार को बारिश को लेकर अलर्ट है, रविवार सोमवार मौसम में फिर से परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा में, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान मथुरा के अंदर आने वाले चार दिन में बना रहेगा, लेकिन शनिवार को यहां पर बारिश को लेकर सावधान रहें। बात करें असम के काजीरंगा की, शुक्रवार शनिवार रविवार शुरुआत के तीन दिन बारिश को लेकर अलर्ट है, सोमवार को मौसम में परिवर्तन है, हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक आप अधिकतम तापमान काजीरंगा में आने वाले चार दिनों में देख पाएंगे, और न्यूनतम तापमान काजीरंगा में आने वाले चार दिनों के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। बात करें केरल के मुन्नार की, शुक्रवार शनिवार को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, रविवार और सोमवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की भी संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास और 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आप मुन्नार में आने वाले चार दिनों के अंदर देख पाएंगे, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों ही दिन यहां पर बारिश को लेकर सावधान किया जा रहा है, बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान कन्याकुमारी में जा सकता है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले चार दिनों में बना रहेगा, लेकिन चारों ही दिन यहां पर बारिश होने की संभावना है। तो कन्याकुमारी आप जाने की तैयारी कर रहे हैं तो बारिश के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। गुजरात के सूरत जाने की तैयारी कर रहे हैं तो मौसम इस प्रकार से रहेगा, शुक्रवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी, शनिवार रविवार सोमवार बाकी के तीन दिन में आपको बारिश देखने को मिल सकती है, और अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक आपको अधिकतम तापमान की स्थिति देखने को मिलेगी, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति सूरत के अंदर बनी रह सकती है, लेकिन शुक्रवार को आपको बेहद सावधान रहना होगा, गरज चमक के साथ तेज बारिश है। राजस्थान के अजमेर की बात करते हैं, आप शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक आप देख पाएंगे, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति अजमेर में आने वाले चार दिनों में बनी रहेगी, और चारों ही दिन यहां पर बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन की बात करते हैं, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों ही दिन यहां पर बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान उज्जैन में जा सकता है, और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान उज्जैन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही मौसम में हल्की फुल्की गर्मी आपको देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेती किसानी के, जिसमें हम रुक करेंगे AI एंकर कृष का, और उनसे जानते हैं कि खेती किसानी को लेकर किसान भाइयों को किस प्रकार से अलर्ट रहना है, कैसे अपनी फसलों की देखभाल करनी है। कृष, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? AI कृष, और आज हम विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात के किसान इस मौसम में खरीफ मूंगफली, कपास और सोयाबीन की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहां के किसान बाजरा, तिल, अरहर, मूंग, उड़द और लोबिया की बुवाई जारी रखें। राजस्थान के किसान इस समय सोयाबीन और मक्का की बुवाई कर सकते हैं। राजस्थान में ही इस समय पपीता, फूलगोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाई जा सकती है। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान धान और विभिन्न सब्जियों की बुवाई कर लें। महाराष्ट्र में ही किसान इस समय अरहर, उड़द, मूंग, मक्का जैसी फसलों की बुवाई जारी रखें। महाराष्ट्र के विदर्भ के किसान सोयाबीन की बुवाई जारी रखें।
साथ ही यहाँ इस समय कपास, अरहर, उड़द, मूंग और ज्वार की बुवाई की जा सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश में किसान धान की नर्सरी लगा लें, यहाँ इस समय मक्का की बुवाई की जा सकती है। वहीं यहाँ के कृष्णा गोदावरी इलाकों में किसान कपास की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ मूंगफली, अरंडी, बाजरा और अरहर की बुवाई भी की जा सकती है। तेलंगाना में इस समय कपास, सोयाबीन, अरहर, मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान इस समय धान की नर्सरी भी लगा लें। केरल में इस मौसम में धान की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान फसल वाले खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। तमिलनाडु में इस समय धान की बुवाई की जा सकती है। तमिलनाडु के किसान मूंगफली की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ इस समय लौकी की बुवाई भी की जा सकती है। तमिलनाडु में प्याज की फसल में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान गाजर के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। साथ ही यहाँ बैंगन की अच्छी पैदावार के लिए बूस्टर का पत्तियों पर छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृषि आपका यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। किसान भाई इन सभी जानकारियों का उचित इस्तेमाल करें और अपनी खेती किसानी में परिवर्तन लाएं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसमें हम बात करेंगे आज की फसल की। तो ये समय लौकी की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त समय है। लौकी की बुआई को लेकर क्या कुछ खास बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुवाई की जा सकती है। बुवाई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुवाई के लिए एक हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। एक हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और NCR के लिए है। एक हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है, इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें, पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो जो किसान भाई इस समय लौकी की खेती करना चाहते हैं या उसकी फसल की बुआई करना चाहते हैं तो बताई गई सभी बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो आपकी अच्छी फसल होगी और आप मुनाफा कमा पाएंगे। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, उस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देखकर आप मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी पा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। आज के मौसम खबर के इस संस्करण में बस इतना ही, फिर से हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। आप बने हैं दूरदर्शन किसान के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।